नमस्कार दोस्तों, छोटे उद्योग चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे सीएससी सेंटर क्या है, सीएससी सेंटर कैसे खोले, इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। दोस्तों, जो अगर आप भी घर बैठे कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपने घर पर सीएससी केंद्र खोलकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में बहुत पॉपुलर बिजनेस है, इसको आप अपने घर से भी शुरू करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, आपने कई बार इंटरनेट पर सीएससी के बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा सीएससी क्या होता है, सीएससी कैसे खोला जाता है। आपके दिमाग में काफी सवाल आए होंगे। दोस्तों, अगर आपको इन सवालों का जवाब जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों सीएससी क्या होता है, सीएससी का पूरा नाम क्या है। सीएससी का पूरा नाम होता है दोस्तों कॉमन सर्विस सेंटर। ये ऐसे केंद्र होते हैं जो सरकार की सुविधाओं को आप तक पहुंचाते हैं। कई बार आप छोटे छोटे कामों के लिए परेशान होते रहते हैं, उन कामों को आप थोड़ी सी फीस देकर सीएससी सेंटर से करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सीएससी सेंटर में क्या क्या काम होते हैं। सीएससी सेंटर में दोस्तों आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिल पेमेंट, रिचार्ज, सभी प्रकार के बीमा, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक संबंधी कोई भी लेन देन, पेंशन निकलवाना, कोई भी ट्रांजैक्शन करवाना, टिकट बुक करवाना, रेलवे टिकट बुक करवाना, ऑनलाइन टिकट करवाना, या आपको जो भी ऑनलाइन संबंधी जो काम होते हैं वो आप सीएससी सेंटर में जाके करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सीएससी सर्विस सेंटर का उद्देश्य। दोस्तों, देश भले ही डिजिटल बन गया है, परंतु आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट से जुड़े काम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, केवल इसी कारण से सरकार द्वारा प्रदान सेवाओं का उचित लाभ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, उनकी सहायता के लिए ऐसे सर्विस सेंटर खोले जाते हैं जिससे उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता करते हैं और उसके बदले दोस्तों कुछ फीस भी लेते हैं। दोस्तों, कॉमन सर्विस सेंटर का मुख्य उद्देश्य यह है कि कम फीस में लेकर आपको सरकारी और निजी क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र से भी प्राप्त सभी सेवाओं की जानकारी दी जाए। तो दोस्तों, बात करते हैं सीएससी सेंटर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों, जो भी सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई करता है उस आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होनी चाहिए। जिस क्षेत्र में दोस्तों वह सीएससी सेंटर खोलना चाहता है, अगर वह गाँव में खोलना चाहता है तो गाँव के लिए, अगर वह शहर में खोलना चाहता है तो शहर के लिए, आप उसी क्षेत्र के होने चाहिए। दोस्तों, आपके पास एक वैध मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आपके पास आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, बैंक का चालू खाता, पासपोर्ट साइज फोटो, आपके एड्रेस का पूरा विवरण और सीएससी केंद्र की तस्वीर जहां पर आप सीएससी खोलना चाहते हो, और एक बैंक का कैंसिल चेक भी चाहिए होगा। तो दोस्तों बात करते हैं सीएससी सेंटर या डिजिटल सेवा केंद्र खोलने के लिए आवश्यक उपकरण। इसके लिए दोस्तों आपको सीएससी सेंटर खोलने के लिए आपको कम से कम एक या दो कंप्यूटर आपके पास होने चाहिए, जिसमें दोस्तों 500 GB हार्ड डिस्क के साथ 4 GB रैम का स्टोरेज होना चाहिए। दोस्तों, प्रिंट आउट निकालने के लिए एक प्रिंटर भी होना चाहिए जिसमें आप कलरफुल और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकाला जा सके। दोस्तों, आवेदकों की फोटो खींचने के लिए आपके पास बैक कैमरा अथवा डिजिटल कैमरा मौजूद होना चाहिए। दोस्तों, दस्तावेजों से जुड़ा डाटा स्टोर करने के लिए और डाटा को ट्रांसफर करने के लिए आपके पास एक पेन ड्राइव भी होनी चाहिए। दोस्तों, आपके डिवाइस में कम से कम एक अच्छा बैटरी बैक भी होना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। दोस्तों, दस्तावेज स्कैन करने के लिए आपके पास एक अच्छा स्कैनर भी होना चाहिए। दोस्तों, आपके पास इन सभी सुविधाओं को देखते हुए ये जो काम है ये इंटरनेट के बिना नहीं हो सकता, इसलिए दोस्तों आपके पास एक अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सीएससी सेंटर खोलने के लिए लगने वाला खर्च। दोस्तों, जिस समय आप सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो आपको किसी प्रकार की राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता, यह फॉर योर कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई राशि देने की जरूरत नहीं है। सीएससी सेंटर में आपको सामान जुटाने के लिए आपको लगभग 50,000 से 1,00,000 रुपए तक की आवश्यकता है। दोस्त, यह राशि आपको वहाँ पे सामान सेटअप करने के लिए, फर्नीचर का सेटअप करने के लिए, कुर्सी मेज वगैरह रखने के लिए, कस्टमर के बैठने के लिए, इन सुविधाओं को जुटाने के लिए दोस्तों आपको 50,000 से 1,00,000 रुपए की राशि का इंतजाम करने की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों बात करते हैं सीएससी सेंटर से आपको कितना मुनाफा होगा। दोस्तों, ऊपर सभी दी गई प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर में बैठा व्यक्ति कोई फीस चार्ज करता है, ये उसकी आमदनी होती है। दोस्तों, अनुमानित आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो सीएससी सेंटर खोलने वाला व्यक्ति महीने में 40 से 50,000 रुपए आसानी से कमा सकता है। दोस्तों, एक टाइम लागत लगा देने के बाद यह आजीवन ऐसा काम है, हर टाइम चलने वाला काम है। दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक की सीएससी लेते हो तो बैंक भी आपको कमीशन देता है। जो कमीशन होता है दोस्तों आपकी, वो ट्रांजैक्शन के आधार पर होता है। जितनी आप ट्रांजैक्शन करते हो बैंक संबंधी, बैंक आपको हर एक ट्रांजैक्शन पर कमीशन देता है। चाहे आप बुढ़ापा पेंशन निकालते हो, चाहे आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हो, चाहे आप बैंक से किसी प्रकार का निकासी करवाते हो, तो हर ट्रांजैक्शन पर दोस्तों आपको कमीशन मिलता है। दोस्तों, जितनी ज्यादा आप ट्रांजैक्शन करोगे उतनी ज्यादा आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं सीएससी सेंटर के लिए अप्लाई
कैसे करें। दोस्तों, जो इच्छुक लाभार्थी सीएससी सेंटर खोलने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उनको कुछ नियमों का पालन करना होगा, कुछ पॉइंटों को फॉलो करना पड़ेगा। सीएससी के लिए दोस्तों आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सीएससी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन वेबसाइट www.register.csc.gov.in पर यहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर आपको न्यू वैली रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जिस पर आप पूछे गए सभी विवरण जैसे नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड आदि भरना है। सभी जानकारी भरने के बाद दोस्तों आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद दोस्तों अगला पेज खुल जाएगा, कियोस्क टैब पर क्लिक करना होगा और कियोस्क और व्यक्तिगत विवरण जैसे आपका नाम, पता, एड्रेस, आपका बैंक खाता, आपकी शिक्षा, दस्तावेज आदि भरना होगा। इस सभी को भरने के बाद दोस्तों आपको अगले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके पश्चात आपको अपने बैंक की डिटेल भरनी होगी जैसे आपका बैंक खाता का नाम, IFSC कोड और शाखा का नाम। इसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेजों को आप जो आपके जरूरी डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड, आधार कार्ड, सीएससी सेंटर की फोटो आदि को GPR में अपलोड कर सकते हैं। सभी दस्तावेजों को अटैच करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पर आगे टिक करें। फिर आवेदक को बुनियादी सुविधाओं का विवरण भरना होगा। उसके बाद आखिर में आवेदक को समीक्षा करनी होगी, भरे विवरण की जांच करनी होगी, फिर पुष्टि करें या सबमिट करें ये आपको उसके बाद बटन पर क्लिक करना होगा। आवेदन पत्र के अंतिम रूप में जमा करने के बाद दोस्तों उन्हें पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आपको प्रदान की गई ईमेल आईडी पर आवेदन पत्र के बाहर एक ईमेल प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं सीएससी सेंटर की स्थिति की जांच कैसे करें। सबसे पहले आपको सीएससी केंद्र की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना होगा। दोस्तों, वेबसाइट पर जाने के बाद आपको एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों, इसके बाद आपको सभी आवश्यक विवरण जैसे आपका आधार नंबर आपको भरना होगा, उसके बाद कैप्चा कोड भरना होगा। ये सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको पास आपकी आवेदन की स्थिति आ जाएगी और आप अपना इसमें नाम जान सकते हैं, अपनी स्थिति को जान सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। और दोस्तों, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।